नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे समाज की, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज़्यादातर परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे वो आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो या लिखित परीक्षाएं हो। इसके अलावा हिंदी से TGT, PGT और हिंदी रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ये सब में हेल्पफुल होगा आपके लिए। ज़्यादातर परीक्षाओं में समास पहचानने के लिए शब्द दे दिए जाते हैं और अक्सर लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आज हम आपको वो सरल तरीका बताएंगे कि कैसे आप समास को पहचान सकते हैं कि जो पद दिया गया है इसमें कौन सा समास होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि समास क्या होता है। समास का अर्थ होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना एक सार्थक शब्द, एक सार्थक पद। समास दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनाया जाता है, एक सार्थक शब्द जो बनता है वो समास कहलाता है। इसमें संक्षिप्तीकरण किया जाता है, जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली, एक शब्दों का समूह है गगन को चूमने वाली, इसका संक्षिप्तीकरण करके हमने बोला गगन चुंबी। अगर आप ये संक्षिप्तीकरण और विस्तारीकरण समझ लेते हैं और शब्दों का आप विस्तारीकरण कर लेते हैं, तो आपके लिए समास बिल्कुल भी कठिन नहीं रह जाएंगे। अगर आप उन पदों को विस्तारित कर लेते हैं तो ये समास आपके बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। आइए देखते हैं किस तरह से समास। छः तरीके के होते हैं समास, के छः प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास की, क्योंकि तत्पुरुष समास में स्वयं उसके छह भेद होते हैं, इसलिए आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, तो अगले वीडियो में हम बाकी के समास आपको प्रोवाइड करा देंगे। अभी हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास समास को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि अव्ययी क्या होता है, इसका नाम अव्ययी भाव क्यों रखा गया है। अव्ययी भाव मतलब जो पद होते हैं, जो अव्ययी भाव समास है उसमें एक पद ऐसा होता है जो अव्यय शब्द होता है। अव्यय शब्द मतलब जिसका अव्यय ना हो, जिसका खर्च ना हो, जिसके टुकड़े ना हो, या जिस पर लिंग वचन का कोई भी प्रभाव ना पड़े, ऐसा शब्द अव्यय का कहलाता है, अपरिवर्तनीय होता है। अब हम जानते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है PPP, अव्ययी भाव PPP, पूर्व पद प्रधान। अव्ययी भाव जो समास होता है उसमें पूर्व प्रधान पद प्रधान होता है, और मोस्ट ऑफ द जो वर्ड्स देखे गए हैं, सारे नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में जो पूर्व पद होता है इसका, वो उत्तर पद से छोटा होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैं ये आपको बस तरीका बता रही हूँ। अव्ययी भाव समास में जो सबसे बड़ी पहचान है उसमें ये अव्यय शब्द आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया अव्ययी भाव समास अव्यय शब्दों से ही मिलकर बना होता है। ये अव्यय शब्द इस तरह के होते हैं, जैसे प्रति, अनु, आ, यथा, आवत, हर। यथा संभव, यथा प्लस संभव, जैसा संभव हो। तो अब मुझे लगता है आप अव्ययी भाव समास को आसानी से पहचान लेंगे। इसका पहला शब्द आपका प्रधान होता है जो अव्यय होता है, ज़्यादातर इसमें हमको प्रति, अनु, आ, यथा, आवत, हर, भर, इस तरह के शब्द शब्दों से मिलकर हमको उनको समास मिलते हैं, तो इनकी पहचान बहुत ही आसान होती है। प्रथम पद प्रधान होता है,
और अब आप समझ गए होंगे इसको अव्ययी भाव समास क्यों कहा जाता है। अव्ययी भाव मतलब जिनमें अव्यय शब्दों की प्रधानता हो। उसके बाद हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब यूपीपी यानी कि उत्तर पद प्रधान। तत्पुरुष समास में बीच में विभक्ति का लोप होता है। तत्पुरुष समास की जो पहचान होती है वो बीच में इसमें विभक्ति का लोप होने से तत्पुरुष समास बनते हैं। इनके 6 प्रकार होते हैं। विभक्तियां अगर आपको याद हैं तो तत्पुरुष समास के भेदों में को पहचानना आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। सबसे पहला भेद है कर्म तत्पुरुष। अगर आपने विभक्तियां पढ़ी होंगी तो आपने पढ़ा होगा प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को। कर्म तत्पुरुष यानी द्वितीया विभक्ति और द्वितीया विभक्ति के चिन्हों का लोप होकर कर्म तत्पुरुष बनता है। द्वितीया विभक्ति का चिन्ह क्या होगा? प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को। तो जहां पर दो पदों के बीच में को शब्द का लोप हो जाए वहां कर्म शब्द कर्म तत्पुरुष समास होगा। जैसे यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, यहां पर को लोप हो गया है उसका संक्षिप्तीकरण करने में और बना यश प्राप्त। रथ चालक जेब कतरा, तो ये होती है कर्म तत्पुरुष की समास कर्म तत्पुरुष समास की पहचान। जहां पर बीच में को का लोप हो वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होगा। दूसरा है करण तत्पुरुष। तो अगर आपको विभक्ति याद है तो प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीय करण से या के द्वारा, से या के द्वारा, तो इसमें लोप होता है वो से या के द्वारा का होता है। पदों के बीच में से या के द्वारा का लोप करके ये समास बनता है। जैसे करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण। अगर आप इसका विस्तारीकरण कर पा रहे हैं तो आप विभक्तियां जानते हैं और इसका विस्तारीकरण करके बहुत आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। करुणा से पूर्ण, किससे पूर्ण? करुणा से। अब यहाँ करुणा को पूर्ण नहीं होगा, यहाँ पर करुणा से पूर्ण ही होगा। शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मदांध, मद से अंधा या मद के द्वारा अंधा, मद में अंधा। उसके बाद जो तीसरा तत्पुरुष है वो है संप्रदान तत्पुरुष। चतुर्थी विभक्ति जिसमें लोप होता है के लिए का। जैसे गौशाला, गायों के लिए शाला, गायों के लिए। हथकड़ी, देशभक्त, यहाँ पर के लिए का लोप होता है, वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। उसके बाद अपानदान तत्पुरुष यानी पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में लोप होता है से शब्द का, लेकिन यहाँ पर जो से शब्द का लोप होता है उसका अर्थ अलग होने का, उसमें अलग होने का भाव होता है। यहाँ पर करुणा से पूर्ण, अलग होने का भाव नहीं दिख रहा है। यहाँ पर धनहीन, धन से हीन, मतलब धन से अलग है, धन से हीन है, अलग होने का भाव दिख रहा है। तो यहाँ पर से के लोप होने से धनहीन बना है और यहाँ अपादान तत्पुरुष होगा पंचमी विभक्ति के अनुसार। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। षष्ठी विभक्ति के अनुसार यहाँ लोप होगा का या की या के का। राजपुत्र, राजा का पुत्र। शिवालय, शिव का आलय। गृह स्वामी, घर का स्वामी। संबंध तत्पुरुष में एक चीज ध्यान रखने वाली होती है, जैसे राजपुत्र, दोनों पदों में संबंध बताया जाता है। राजा का पुत्र, राजा का संबंध पुत्र से है, पुत्र का संबंध राजा से। शिवालय, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। गृह स्वामी यानी गृह का स्वामी, इसीलिए इसको संबंध तत्पुरुष कहा जाता है। यहाँ पर
षष्ठी विभक्ति जो होती है उसके चिन्हों का लोप होता है। जो छठा तत्पुरुष है वो है अधिकरण तत्पुरुष। सप्तमी विभक्ति के हिसाब से इसमें मे और पर का लोप हो जाता है। जैसे शोक मग्न, शोक में मग्न। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। धर्म वीर, धर्म में वीर। अगर आपको विभक्तियां याद हैं तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। और विभक्तियां आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विभक्तियों से भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, टैट वगैरह सी टैट में तो अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए विभक्तियां आपको याद होनी चाहिए। और अगर विभक्तियां याद हैं तो आपको तत्पुरुष समास में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। विभक्तियों में द्वितीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक पूरा तत्पुरुष आपको समझ में, तत्पुरुष समास आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अव्ययीभाव आपको समझ आ ही गया होगा। बाकी के बचे हुए समासों का विवरण हम अपने अगले वीडियो में देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे आपको समझ आया होगा तो बताइएगा, हम आपके लिए जल्द ही अगला वीडियो लेकर आएंगे। और अगर इस तरह के वीडियोस आपको चाहिए तो बहुत सारे वीडियोस इस तरह के हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हैं और हम आगे भी डालते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बना हुआ बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।